प्रथा, तुम्हारी कंडीशन अब ऐसी है कि तुम्हें अब बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तुम अपने हस्बैंड को कांटेक्ट करना चाहोगी क्या? बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने मुझे माँ बनने की खबर तो सुनाई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके बाद तुमने कौन सा षड्यंत्र रचा था। डॉक्टर, ये 201 नंबर वाले आए हैं, अपने बच्चे की डेड बॉडी लेने आए हैं। हमारी मदद कीजिए डॉक्टर साहिबा। नहीं, डेड बॉडी नहीं मिलेगी। अरे, फ्री में हवा नहीं मिलती आजकल, तो डेड बॉडी कैसे? पहले पूरा पैसा भरो। क्या बात कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, डेड बॉडी चाहिए तो पैसा भरो। मैडम, आपका एक सिग्नेचर मिल जाएगा, मुझे मेरी बेटी की डेड बॉडी मिल जाएगी। सॉरी प्लीज डॉक्टर। मैडम, कुछ लोग अपने काम से धोखा करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, दूसरों की भावनाओं की कोई कदर नहीं। आपको सिग्नेचर चाहिए थे ना? डोंट वरी, मैं अभी सिग्नेचर कर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। वो लोग चले गए क्या? मैम, अभी तो आपने साइन करके दिया उन्हें। मैंने साइन कर दिए? अजीब बात है, मैंने कब साइन किए? ये जहर ले और प्रथा की दवा में जाके मिला दे। अब बोल। तेरी खामोशी ने बोल दिया। चुपचाप ये जहर ले और प्रथा को जाके पिला दे और उसकी खोने वाली बच्चे को मार दे, और अगर उसका बच्चा पैदा हुआ तो वो मरा हुआ पैदा होना चाहिए। मैं तुझे मार डालूंगी। कुछ पैसों के लिए तुमने अपना जमीर बेच दिया, अपना धर्म बेच दिया, अपना कर्म बेच दिया, मेरे अजन्मे बच्चे की जान ले ली। पैसा बड़ा कि जान बड़ी? बता डॉक्टर, बता। अब तू क्या बताएगी? अब तो तेरे कर्म बोलेंगे, और तेरे कर्मों का हिसाब लेने ही तो आई हूं मैं। जन्म के बदले जन्म और मौत के बदले मौत। आज आज मैं तुझसे अपना बदला लेके ही रहूंगी। बचाओ। आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, खुद ये ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। अब तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है। उस दिन एक माँ आई थी यहाँ अपने बच्चे को जन्म देने, आज तेरे पास एक शेष नागिन आई अपने बच्चे के कातिल को मौत देने। तूने मेरे बच्चे को मारा, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अब मेरी इस बदली हुई जिंदगी की कसम, मैं अपना इंतकाम लेके रहूंगी। मुझे मेरे इष्ट, मेरे शिव जी की कसम है, उस हर एक से बदला लूंगी मैं, एक एक के गुनाहों का जवाब दूंगी।
ये लहंगा क्यों फेंका? पहनने के लिए, but obviously. जल्दी से इसे पहनो और फटाफट मेरे साथ चलो, शक्ति तुम्हारा वेट कर रहा है. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस पागल से जाकर मैं मिलूंगी. अच्छा, अब वो तुम्हारे लिए पागल हो गया है? कुछ ही दिनों पहले तक तुम उसके साथ बाथ टब में मचल मचल के गाना गा रही थी, मैं तेरी हूँ जानम, तू मेरा जिया एंड ऑल दैट, और अब तुम उसे मिलना भी नहीं चाहती. प्रथा को मारने के लिए हमने उसका बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया. शक्ति जिंदा है ये बात कोई नहीं जानता. इस एक काम के लिए हमने उसे पहली बार कैद से बाहर निकाला, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसे कैद में वापस डालने के लिए हमें कितनी तकलीफ हुई. जान निकल गई थी हमारी. देखो, अगर वो बाहर आया ना तो सीधा जेल जाएगा, क्योंकि उसके सर पे एक लड़की के खून का इल्जाम है, समझी तुम? एंड यू नो वो हमारे लिए इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है. ऋषि, वो बाहर क्यों आएगा? क्योंकि उसने कहा है कि वो आएगा अगर तुम उसके पास नहीं गई, समझी तुम? देखो महक, शक्ति जिंदा है ये बात किसी को भी नहीं पता है, और अगर पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा, और अगर वो ऊपर आ गया तो तूफान मचा देगा. सिर्फ एक ही औरत थी जो उसे काबू में कर सकती थी, और वो है सीमा, लेकिन वो तो कोमा में पड़ी है. देखो, रीम को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन अगर किसी और को पता चल गया ना, देन आई डोंट नो, खासकर ऋषभ को. अगर उसे पता चला कि उसका भाई जिंदा है, तो सबसे पहले वो हम दोनों को इस घर के बाहर उठा के फेंक देगा, और शक्ति के साथ क्या करेगा आई डोंट नो. पर मैं भी तो शेषागन हूं ना, मैं उसकी धमकियों से नहीं डरूंगी, इनफैक्ट मैं उसे डरा के मारूंगी. बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं करोगी तुम, टच नहीं करोगी तुम उसे. मेरे लिए वो सबसे कीमती मोहरा है, समझी तुम? मेरे इस प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो. ये मेरे लिए तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक मुझे वो जमीन नहीं मिल जाती, और हमारी वो डील जैंग के साथ नहीं होती, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो नमक वाली फैक्ट्री की जमीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्या हो सकता है जमीन में? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि किसी को ऐसी नमक की फैक्ट्री वाली फालतू सी जमीन क्यों चाहिए. क्या सोच रही? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है. डोंट वरी, मैं उन लोगों को ये जमीन हरगिज़ देंगे. आप उनको ये जमीन देंगे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें ये जमीन क्यों चाहिए. ओके, डन. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. इट्स ओके. क्या प्रॉब्लम? जाओ, तैयार हो. हेलो, हाय. जी, नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगी. यस, श्योर, थैंक्स. राजेश प्रताप सिंह का फोन था, उसने कल हमें वो नमक वाली फैक्ट्री की जमीन की डील के लिए बुलाया है. किस्मत मेरे पे मेहरबान हो रही है. तुम भी प्लीज मेरे पे एक मेहरबानी करो और जल्दी से ये कपड़े पहनो. जाओ. मैं इस डील के लिए रेहान को अपने साथ ले जाऊंगी. एक्सक्यूज मी. अरे, हेलो. हेलो, और ऋषि आंटी बोलिए. कल राजेश प्रताप सिंह ने हमें फैक्ट्री पर बुलाया है डिस्कशन करने के लिए. मैं वहां उससे बात करूंगी, तब तक तुम उसकी बहन दिव्या से बात करोगे फैक्ट्री की जमीन की प्राइस के बारे में, वही टाइम पर, समझे? हो गया आंटी, डन. बेबी, यू नो व्हाट, मॉम हमेशा मुझसे कहती है कि मैं तुमसे दूर रहूं. क्यों? उन्होंने कहा कि तुम्हारी दो गर्लफ्रेंड्स थी और दोनों मर गई. Just because of you. यार तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कितनी गॉसिप करती है.
तुम की बातों में क्यों आती हो? बेबी मैं उनके खिलाफ जाके तुम्हारे साथ, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? Never ever, baby. चल लगी शर्त, सेक्स मारेगा. चल लग गई, मैं बोलता हूँ आउट होगा. देख हाँ, यस बोला ना, आउट होगा. चलिए एक और शर्त लगाते हैं, लेकिन इस बार 50,000 की. ब्लू टीम जीतेगी. चल ठीक है, 50 रेड टीम. देख तो मिस्टर विहान, तू बेट हार गया, तू निकाल बाकी के 50,000. यार रॉकी अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, मैं पर थोड़ा टाइम दे देता हूँ. टाइम नहीं, मनी दे मनी, वरना मुझे पैसे निकालना आता है. अरे मैंने कहा ना दे दूंगा यार ये. अच्छा एक काम कर तू ना, थोड़े घंटों का टाइम दे. मैं अरे मेरा भाई रेहान, उसे कॉल करता हूँ ना, अभी लेके आएगा. देता हूँ. चल ठीक है, तुझे थोड़ा टाइम दिया, तू फोन कर ले और जल्दी से पैसे मंगा. चल बॉन्टी. हाँ भाई बोल. हेलो रेहान. अरे यार भाई प्लीज थोड़ी हेल्प कर दे यार. भाई यार मैं पैसे आ गया पूरे के पूरे. ये लोग साले अभी पैसे मांग रहे यार. भाई तुझे कितनी बार बोला इस मनी मैटर में मुझे इन्वॉल्व मत किया कर. तूने कौन से पैसे देख लिए मेरे पास? अरे ऐसे कैसे बोल रहे यार? देख तूने ना मुझसे प्रॉमिस किया था कि तेरे पास बहुत सारा पैसा है. भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दे, नहीं तो ये लोग मुझे हाथ ही जान से मार देंगे यार. प्लीज यार आ जा यार. अच्छा रुक मैं आ रहा हूँ. अब रेहान आएगा फिर देखता हूँ ये कैसे मुझे हाथ लगाते हैं. आरिया तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे क्या? बेबी मॉम तो मुझे कोई पैसे ही नहीं देती है, यू नो ना. एक्चुअली मुझे ना अपने भाई के पास जाना था, उसे मेरी जरूरत है. उसको कहीं पे पैसे किसी को देने तो मैं उसकी हेल्प करके आता हूँ. तुम घर जाओ, उसके बाद यू नो हम मिलते हैं वापस से. ओके सी यू. बाय बाय. बाय बाय. रेहान आज के बाद लाइफ का एक रूल बना ले, कड़की लड़की के साथ कभी सेटिंग नहीं बिठानी. मेरे लिए तो वो बनी है राजेश प्रताप की बहन दिव्या, ये रिया पिया जिया ऑल अ टाइम पास, कड़की कहीं की. अभी रियान आएगा ना पैसे लेके तो सालों के मुंह पे ना ऐसे देख के मारूंगा. आज आ रिया तो क्या हो गया यार, मुझे पता है गैम्बलिंग में बहुत पैसा है. अगली बार बताऊंगा साले मुझ पे हाथ उठाएंगे इससे. समारा नहीं. क्या हुआ विहान, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मैं ही तो हूँ.
तुम्हारी समायरा भाभी। डरो मत, तुम्हारी भाभी हूं ना मैं, इतनी आसानी से नहीं मारूंगी तुम्हें। समायरा, ये कैसे हो सकता है? रियान ने तो इसे मार दिया था, ये नहीं हो सकता। अरे वो अपनी दुश्मन महक होगी यार, वही कर रही होगी ये सब, हमसे इतनी नफरत जो करती है। लेकिन तू फिक्र मत कर, अब तू देखता जा मैं कैसे पैसे बनाऊंगा, राजेश प्रताप की बहन के साथ शादी रचाऊंगा। आज उसको पिटाने के चक्कर में लगा। आज रात को जब उर्वशी आंटी उस राजेश प्रताप सिंह से उस जमीन को खरीदने की प्लानिंग कर रही होंगी, तब मैं उसकी बहन के साथ उस जमीन की नेगोशिएशन कर रहा हूँ। उसकी बहन लॉयर है, अब आगे क्या करना है मुझे सब पता है, तू बस देखता जा, आई विल सॉर्ट इट आउट। कम ऑन कम ऑन। खुशी छीन लूंगा, जो ऋषभ का था वो मेरा है, जिस लड़की से वो प्यार करता है वो भी मेरी है, और वैसे भी हमने अभी तक सुहागरात तो मनाई नहीं है ना, चलो मना लेते हैं। क्योंकि मुझे ऋषभ को उसकी पत्नी से दूर करना था। ऋषभ जिसे प्यार करता है वो कोई और थी।
पहले ही बता देती ना, शायद तुम जानती नहीं मैं ऋषभ से कितनी नफरत करता हूँ। हाँ, मैं खुद तुम्हारी मदद करता। वैसे वो जो लड़की है वो है कहाँ? कहाँ है वो लड़की? वो मर गई। ऋषभ की हर खुशी बर्बाद कर दूंगा, उसका प्यार छीन लिया, बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें। सब छोड़ो, एक बात बताओ, जब वो लड़की मरी ऋषभ का चेहरा कैसा था? हा? कैसा था उसका चेहरा? दिल टूटा उसका? हाँ। दर्द हुआ? हाँ। बहुत दर्द हुआ, दर्द में वो डूब गया। जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। क्रेजी, मेरे भाई की बैंड ही बजा दी। ब्यूटीफुल, जाना, माफ कर दिया तुम्हें, सिर्फ आज के लिए। ये जेंग साहब के दिमाग में जंग लग गया क्या? उसको यही जमीन क्यों चाहिए? ऐसे भी तो कोई खास नहीं है ये जमीन, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर उसको फैक्ट्री खड़ी करनी है, वो भी एक्स्ट्रा वर्कर्स के साथ। क्या है इस जमीन में? नहीं पता मुझे। चलो क्या बात, हमें यहाँ बुला के खुद आए नहीं है राजेश प्रताप से? हम लोग आ गए। यस, आप ही का इंतजार कर रहे थे। सॉरी, आप लोग कितने भी पैसे देना चाहे इट्स ग्रेट, ये जमीन में आपको बेच नहीं सकता। क्यों? मिस्टर सिंह, आपकी जमीन के लिए हम कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं, या कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, ये जमीन तो मेरी है ही नहीं। तो ये जमीन किसकी है? आपने ही तो कहा था कि ये जमीन आपकी है। थी, ये जमीन मेरी थी। ये जमीन मैंने अपने फियांसे से को एंगेजमेंट गिफ्ट में दे दी है, अब ये जमीन उसकी। इतना खूबसूरत शाम है, हम यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो ना बाहर कहीं घूमने जाते। या ऑफ कोर्स हम जाएंगे, बट बेबी ये दोनों तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुमसे मिलने आए। ये दोनों तो चोर है। मेरे बेबी के साथ वाला मेरा प्रेशियस टाइम जो चुरा रहे हैं। क्यारा, वो एक्चुअली हम आपका वक्त जाया नहीं करना चाहते, हम ये जमीन खरीदना चाहते हैं। या आप दोनों को ये जमीन चाहिए? यस। ये जमीन तो नहीं मिलेगी। हाँ, तुम दोनों हर्ट हो गए, ये फीलिंग बा आप बुरा मांगे। एक्चुअली द थिंग इज कि ये लैंड जो है ना, इसे मैं स्केटिंग रिंग बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे सारे फ्रेंड्स स्केटिंग बहुत पसंद करते, और यहाँ कोई अच्छी स्केटिंग रिंग भी नहीं है। सो Kiara, don't worry about that. Property website पे मैं अनाउंस कर दूंगी और तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी जमीन ढूंढ के लाऊंगी। But please, ये जमीन आप हमें दे दीजिए। Okay,
ओके, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये जो अंग्रेजी मेम है ना, ये प्रथा हो ही नहीं सकती। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं पर ये तो जमीन बेचना ही नहीं चाहती है। सच बताऊं, हम लोगों को अब तक ये नहीं पता चल पाया है ये एग्जैक्टली कौन है। एंड आई डोंट रियली केयर, क्योंकि इस वक्त ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने इसे कन्विंस नहीं किया इस जमीन के लिए, तो जहंग हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्यारा, वो क्या है ये जमीन के लिए ना, हम कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है और कुछ भी करने के लिए भी तैयार है। रियली रियली आप सच में कुछ भी करेंगे? ऑफ कोर्स। ओके, पर उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। क्या? मुझे शिकार सीखना है। डन, मैं तुम्हें शिकार सिखाऊंगी। ओके कूल, तो कल रात? ऑफ कोर्स, डन। तो कल रात के बाद फिर डील पक्की? पहले शिकार तो कर लूं। शो, लेट्स गो बेबी। या कम ऑन, एक्सक्यूज मी, मुझे भी स्केटिंग करना है। या कम ऑन, दिस वे, दिस बेबी। आई डोंट केयर, इस अंग्रेजी लड़की को जैसे तैसे करके पटाओ और ये जमीन उसे लो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सब कहते हैं ये प्रथा नहीं, तो फिर इसका चेहरा क्यों और ये आंखें? जब भी मैं इन आंखों को देखता हूं तो बस तुम ही तुम नजर आती हो। मैं बस कह रहा कि प्रोफाइल चेक कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। ऐसा ही है। क्या कर रहे थे तुम? चेक आउट कर रहे थे ना तुम? इसे ऐसे ज़ूम कर करके तुम देख रहे थे। मुझे पता है, एकदम डूबे हुए थे तुम इसमें। मैं जानती हूँ क्यों, क्योंकि तुम अभी तक प्रथा को भूले नहीं हो। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो तुम, कि तुम प्रथा से नफरत करते हो। तुम आज भी प्रथा से प्यार करते हो। तुम प्रथा से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, अगर आज वो तुम्हें मिल भी गई तो तुम पागलों की तरह से पीछे भागोगे। तुम क्यों ऋषभ, हाँ क्यों झूठ बोल रहे हो? अपने आप से झूठ बोल रहे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो, पूरे जमाने से झूठ बोल रहे हो। सच तो ये है कि तुम उसे नफरत नहीं पर तुम उसे आज भी प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा ही है। तुम्हें तो उसके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। दिन रात से तुम उसके बारे में ही सोचते रहते हो। तुमको प्रथा से अभी भी प्यार नहीं? मैं नफरत करता हूँ उससे, नफरत। ओके, उसने जो मेरे साथ किया है ना, मुझे उसके चेहरे से भी नफरत है। झूठ बोलते हो तुम। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही तुम्हारी जिंदगी से चले जाती हूँ। नहीं, देखो देखो ही ना, मुझे बस इतना जानना है कि वो क्यारा प्रथा ही है या नहीं। क्योंकि अगर वो प्रथा ही है तो उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और उस धोखे की सजा उसे मैं दूंगा। ना तो वो कभी वो सजा भूलेगी, ना इस सजा देने वाले ऋषभ गुजराल को। ठीक है, ठीक है, तो फिर तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगी। क्या? क्यारा को शिकार सीखना है और आपको शिकार आता है, तो आप उसे शिकार सिखाओ। अरे सवाल ही नहीं उठता। उस लड़की का मैं चेहरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम कह रही हो उसे शिकार सिखाऊं मैं? लेकिन क्यारा के चेहरे पे प्रथा का चेहरा है। उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। वाह महक वाह, गजब का पत्ता फेंक रही हो एक पत्नी होने का। ऋषभ को शिकार पे ले जाने के लिए मानना पड़ेगा, शेष नागिन हो तुम। ऋषभ, तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला है। तुम उसे शिकार सिखाओ, तुम उसके करीब जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि वो प्रथा है
या नहीं? क्यों, जाना नहीं है तुम्हें? कि जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है वो प्रथा है या नहीं? ठीक, मैं उसे शिकार सिखाऊंगा। हम एक शिकार का प्लान बनाएंगे। शिकार सिखाते वक्त तुम उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखना और फिर तुम देख पाओगे कि वो प्रथा है या नहीं। ऋषभ, बहुत मुश्किल से ये गोल्डन चांस मिला है, तुम इसे मत गवाना। उसे शिकार सिखाओ और अगर वो प्रथा है तो उसका ही शिकार करो। अपना काम हो गया। कल ऋषभ कियारा को शिकार सिखाने लेके जाएगा और ऋषभ के दिल में जो प्रथा के लिए भड़की हुई आग है, मैं उसे और हवा दूंगी। और इस बार भी मैं ऋषभ को हथियार बनाऊंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऋषभ की आंखों में मैं प्रथा के लिए इतनी नफरत देखूंगी, पर मैंने देखी। और इसका क्रेडिट हम दोनों को ही जाता है। अगर हमने उस दिन इतना सारा ड्रामा खून खराबा ना किया होता, वही दिन जिस दिन प्रथा अपनी सारी शक्तियां त्यागने गई थी, गलत फहमी के ऐसे बीज बोए हमने, ये उसी का नतीजा है, उसी का पेड़ उगा है। बेचारी प्रथा ऋषभ से कितना प्यार करती थी और फिर उतनी ही नफरत करने लगी थी उससे, क्योंकि हमने ऋषभ की जगह शक्ति को यूज किया था। और मजे की बात तो ये है कि ऋषभ प्रथा से कब इतनी नफरत करने लगा, ये तो आई थिंक प्रथा भी नहीं जानती थी। अगर उस दिन मैंने वो खेल खेला नहीं होता ना, तो ऋषभ कभी प्रथा से इतनी नफरत ना करता। मुझे आज भी याद है वो प्लान जो मैंने बनाया था ऋषभ के दिल में प्रथा के लिए नफरत पैदा करने के लिए। जब प्रथा अपनी शक्तियां त्यागने जा रही थी तो ऋषभ भी उसी वक्त घर से निकला। मैंने समायरा का रूप लेके कुछ ऐसा किया जो ऋषभ ने कभी सोचा भी नहीं था। ऋषभ भाई, अरे समायरा, ऋषभ भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको ये बात कैसे बताऊं। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, बोलो ना। नहीं, मुझे एक्चुअली ये बात आपको बतानी ही नहीं चाहिए, लेकिन वो लड़का don't worry, बोलो कौन लड़का, क्या हो गया? वो इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय ने क्या किया? उसका अफेयर है। समायरा, उसका कहाँ अफेयर है? उससे हमें क्या लेना देना, करने दो ना जो करता है। नहीं भाई, भाभी, प्रथा भाभी, आपकी पत्नी। क्या किया उसने? प्रथा भाभी का अफेयर है उस इंस्पेक्टर विजय के साथ। क्या बकवास कर रही हो समायरा? भाई मुझे पता ही था आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। आप एक काम करो, मेरे साथ चलो, आप खुद ही चल के देख लो। नहीं, एक्चुअली अगर प्रथा भाभी ने मुझे देखा ना आपके साथ और हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो शायद वो मेरी ही जान ले लेंगी। और फिर जब ऋषभ वहां पहुंचा और उसने वहां जो देखा वो तो पागल ही हो गया। हाय। हे हे, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम पहले वाली हीना नहीं। न जाने क्यों मेरा दिल कहता है जैसे कि तुम्हारे और किसी और के बीच में कुछ चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, I swear।
सही बोला आपने मिस्टर इंस्पेक्टर, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मैं तो ऋषभ से शादी करने की प्लानिंग कर रही हूँ। मुझे सच में ऐसा लगा था जैसे कि तुम एक अलग टाइप की लड़की हो। ओ, तुम और प्रथा। मैं और प्रथा क्या है और कौन है ये तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। और फिर मैं प्रथा बन के समायरा के पास गई, उसे बेवकूफ बनाया और उसका खून कर दिया। भाभी। समायरा तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ओके भाभी, बस आप की वजह से मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे बताया था ना तूने, देख लिया अंजाम क्या हुआ। प्रथा जब अपनी शक्तियां त्यागने के बाद घर वापस लौट रही थी तो जंगल में से समायरा जख्मी हालत में मिली थी। पर समायरा को ऐसी हालत में देख के प्रथा के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और उससे बड़ा शक तो उसे तब लगा जब उसने ऋषभ को मेरे साथ बदतमीजी करते हुए देखा। तब उसे यकीन हो गया था समायरा के खून के पीछे ऋषभ का हाथ है। पर उसे क्या पता था कि ऋषभ के बदले हमने शक्ति को यूज किया था।